हेलो एवरीवन, आज सारा वर्ल्ड कोविड-19 के इम्पैक्ट को फेस कर रहा है अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, सारे कंट्रीज में और सारे इंडस्ट्रीज में भी। कोई भी इस बात के लिए श्योर नहीं है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट कब तक और कितना रहेगा, और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी ह्यूजली इम्पैक्ट कर रहा है सारे वर्ल्ड में। तो आज हम आपको एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच देंगे जो कि है वर्क फ्रॉम होम। आज हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमारे पास 10 अमेजिंग जॉब्स है जो कि आप अपने घर के कंफर्ट से कर सकते हैं, जिनके एडवांटेजेस होंगे रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्वालिटी प्रोसेसेस, बेटर इंक्लूसिविटी और बहुत सारे। तो Let's get started. Myself Anjali Tomar, HR Manager at Acrius Aviation Private Limited. तो first job है एक author की। एक author किसी भी written work जैसे कि book या play का creator या फिर originator होता है, और उसे एक writer भी माना जाता है। अगर इसे ज़्यादा broadly define करें तो एक author होता है वो व्यक्ति जो कि किसी भी चीज़ को एग्जिस्टेंस देता है, एंड हुज ऑथरशिप ये डिटरमाइन करती है कि उस क्रिएटेड चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। सेकेंड, ब्लॉगर। ब्लॉगर एक ब्लॉग पब्लिशिंग सर्विस है जो कि मल्टी यूजर ब्लॉग्स को अलाउ करती है। ये वायरल एप्स के द्वारा डेवलप की गई थी जो कि गूगल के द्वारा खरीदा गया है। ब्लॉग्स गूगल पे होस्ट होते हैं और जनरली blogspot.com डोमेन के साथ एक्सेस किए जाते हैं। थर्ड इज कंटेंट वर्क। कंटेंट राइटिंग सर्विसेज ये वो कैटेगरी ऑफ वर्क है जो कि पहली बार 1990s में देखे गए थे। ये ऑनलाइन एक्टिविटीज की वजह से सामने आए थे। कंटेंट राइटिंग का एम आपकी वेबसाइट को स्पीच प्रोवाइड करना होता है, और जो भी आप समझाना चाहते हैं या फिर अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को ऑफर करना चाहते हैं उसे समराइज करना। फोर्थ इज कैनवा डिजाइनर। एक कैनवा डिजाइनर का मिशन होता है एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना। एक कैनवा का एंटायर मिशन रिवॉल्व करता है डिजाइन के अराउंड। फिफ्थ इज ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर। ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर ये मेक श्योर करते हैं कि चीजें सही तरीके से हों, सही वक्त पर हों और सही लोगों के द्वारा हों। एक OBM इन चार एरियाज में मेनली फंक्शन करते हैं। फर्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें उन्हें किसी भी वेबसाइट का लॉन्च मैनेज करना होता है, न्यू ऑनलाइन प्रोग्राम को सेटअप करना होता है और इस्टेब्लिश करना होता है वेबसाइट को स्टार्ट से फिनिश तक। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इसमें कई तरह के सिस्टम्स होते हैं जहां पर बिलिंग, क्लाइंट रिलेशनशिप्स, वर्कफ्लो, कम्युनिकेशंस जैसी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। मैट्रिक्स मैनेजमेंट, इसमें हम सारे स्टैट्स को ट्रैक करते हैं ताकि आपके क्लाइंट को ये पता रहे कि एग्जैक्टली उसे बिजनेस में क्या वर्क करना है
और आप उसको नेक्स्ट स्टेप्स भी रिकमेंड कर सके। पीपल मैनेजमेंट, इसमें आउटसोर्सिंग, मैनेजिंग और ट्रैकिंग होती है आपके डे टू डे टास्क के कंप्लीशन के बारे में। 6, सोशल मीडिया मैनेजर। एक सोशल मीडिया मैनेजर इंचार्ज होते हैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट करने में अक्रॉस द सोशल चैनल्स, जो कि उस ब्रांड की सोल वॉइस होते हैं। वो कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, कैंपेन्स को कंपाइल करते हैं और कंटेंट को क्रिएट भी करते हैं। ये एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को एनहांस कर सके। 7th इज वर्चुअल असिस्टेंट। एक वर्चुअल असिस्टेंट वो पर्सन होता है जो कि एंटरप्रेन्योर्स या फिर बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक रिमोट लोकेशन से। कई सारी चीजें होती हैं जो कि वर्चुअल असिस्टेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मैनेज करना, कैलेंडर्स मैनेज करना, अपॉइंटमेंट्स एंड ईमेल्स मैनेज करना और साथ ही रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना। 8th है वेब डेवलपर। एक वेब डेवलपर एक प्रोग्रामर होता है जो कि स्पेशलाइज करता है या फिर स्पेसिफिकली एंगेज होता है वर्ल्ड वाइड वेब एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट में, जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज करके क्रिएट की जाती हैं। एक वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफर यूज होता है डेवलप और मेंटेन करने के लिए वेब एप्लीकेशंस को। 9th है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर इंटरप्रेट करता है लिखी या बोली गई चीजों को एक या एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में, जो कि ये इंश्योर करती हैं कि उस चीज का मीनिंग, कंटेक्स्ट मेंटेन रहे और साथ ही ग्लॉसरीज क्रिएट करना, टीम डिक्शनरीज, टर्म डिक्शनरीज क्रिएट करना और साथ ही कई मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी पजेस करता है। ये इंडिविजुअल क्लाइंट्स और कॉर्पोरेशंस के साथ वर्क करता है। एंड द लास्ट इज डेटा एंट्री। डेटा एंट्री का मतलब होता है टू ऑपरेट इक्विपमेंट, जो कि ज्यादातर एक कीबोर्ड होता है, ताकि हम डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में इनपुट कर सके। डेटा एंट्री ऑपरेटर को कई बार वेरीफाई या एडिट भी करना पड़ता है डेटा को जब वो एंटर किया जाता है, या फिर ये काम किसी और इंसान से भी कराया जा सकता है। ये डेटा हैंड रिटन फॉर्म्स या फिर ऑडियो फाइल्स दोनों से लिया जा सकता है। थैंक यू।